हम सफर में आगे की तरफ बढ़ रहे थे और ये वादियां हमारा स्वागत कर रही थी। मजा दुगना तब हो गया जब चाय की चुस्किया लेने के लिए हम एक जगह पर रुक गए। गर्मा गर्म चाय की चुस्किया। थोड़ी ही दूरी तय की थी और माँ मानिया देवी के दर्शन हो गए और दर्शन मात्र से ही हम धन्य उठे। जय माँ मानिया देवी। ये देखिए यहाँ से निकल चुका आगे। हाय, दिस इज अंकित बेस्ट एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। गाइस, सुबह सुबह उठे तो उठते ही यहाँ पर पहाड़ों में ताजगी का एहसास हो जाता है। पॉजिटिव वाइब्स मिलती है सुबह सुबह। चारों तरफ आप हरियाली देख रहे होंगे, इस वातावरण को देख रहे होंगे और नीचे हल्का हल्का ये देखिए नदियों के आसपास कोहरा लग रखा है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, मनमोहक है। तो जुड़े रहिए आज के इस खास ब्लॉग में, आपको बहुत मजा आएगा। सामने कोहरा लग रखा है, ये देख रहे गाइस, नीचे पहाड़ों पे, क्योंकि नीचे नदी है तो इसीलिए सामने कोहरा लग रखा है। ये देखिए, मैं यहाँ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ और बड़ा ही प्यारा लग रहा है यहाँ से चारों तरफ। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ से अगर आप देखते हैं, ये देखिए एकदम करके ठीक सामने पहाड़ हो और मॉर्निंग में आप उठ रहे हो और उठ के सीधा आप यहाँ पर आए और यहाँ से आपको अगर ऐसा सुंदर नज़ारा देखने को मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। What I feel right now, I can't express my feeling. It's an amazing, and you know, I can show with you some unique things. यहाँ से जो चीज़ें हैं सामने आप देखते हैं, बिल्कुल आपको रानीखेत दिख जाता है वो पहाड़ी पे, एकदम जो ठीक सामने दिख रही है आपको, और ठंडी ठंडी हवा एकदम चल रही है। इस हरियाली के बीच में जब आप यहाँ पर आते हैं तो एक नेचुरल वाइब्स आप फील करते हैं, वही चीज़ मैं भी यहाँ पर फील कर रहा हूँ। ये पूरा रानीखेत का इलाका है ये पहाड़ पे, और ये इधर वाला इलाका, ये पूरा इधर अलग अलग गांव हैं, बहुत सारे नाम हैं इन गांवों के। तो क्लियरली जब यहाँ पर बर्फ़ गिरती है रानीखेत में तो पूरा जो पहाड़ है वो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है पूरा यहाँ पे, और ये आप देख रहे हैं पूरा यहाँ से नज़ारा। सुबह सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी पीने का ताजगी के साथ बड़ा अलग ही मज़ा है। पीछे आप देख रहे हैं ये बहुत सारे भैंस वगैरह बांध रखे हैं, सारे दूध देने वाले हैं, एक दूसरे से नहीं होंगे आगे वाले। मेरा घर मेरा, और यहाँ पर बगल पे पेड़ हुआ करता था बहुत बड़ा, उसको काट दिया गया है। अभी हम ये देखिए हरियाली हरियाली इधर हो रही है। ये सरसों है जिससे तेल उगाया जाता है, जो अभी येलो येलो देख रहे हैं, इस पर फूल उग रखे हैं ये। और ये देखिए, और ठीक है तू बढ़िया है। हाय हाय, धूप सेक रहे हैं ये देखिए सभी लोग। ये हमारी बकरी, कौन सी बकरी? बकरी यह पहाड़ी भोटिया कुत्ता। ये देखिए एकदम प्योर भोटिया कुत्ता, आप देख सकते हैं। ये जब थोड़ी बड़े हो जाते हैं तो बड़े जबरदस्त और भयंकर बाघ जैसे बन जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर प्यारा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये तो सदा हुआ है, मगर मैं तो बीमार अब कहती हूँ, मैं बीमार ही रहती हूँ बल, क्या फोटो मेरे ले रहे हैं बल, ऐसे कह रही है ना। लोगों को कुछ कहना चाहोगे कहो। अरे कैमरा पर बात बताओ। हाँ, सुधार को जाल, बिल्कुल मेरे को ये सांस हुआ था चलन जलन बोले ना, तुम मैं मुना फोड़ दे के रहा हूँ ना ना। हाँ, ये तो बानल तो 16 साल की जवान हो तुम। देसी मुर्गे, यह मैर बोलते हैं इनको यहाँ पर पहाड़ी भाषा में। कुछ मुर्गियाँ हैं अंडे देने वाली हैं और ये काटने वाले भी होते हैं, थोड़ा इनसे बच के भी रहना पड़ता है। देखिए अगर ये ठून से मार ना दे हो जाएगा कल्याण। ये देखिए बड़े पास से कितना प्यारा लग रहा है ना। हाय, ये देखिए एकदम शुद्ध फ्रेश जिसे कहते हैं। लोग सोचेंगे तो बड़ा ही टेस्टी हो रहा है। 12 पन्ना वोट बढ़ते कि नहीं बढ़ते है कि नहीं? चीनी की आवश्यकता नहीं पड़ती यहाँ पर, गुड़ के साथ यहाँ पे ना मिलावटी मिलेगा आपको, बिल्कुल एकदम शुद्ध फ्रेश। खाना खाने का टाइम, बहुत जबरदस्त स्वाद आ रहा है इसमें। पानी गर्म हो रहा है नहाने धोने के लिए, और ये देखिए इस तरीके से कंट्री से कहा जाता है। और यहाँ पर ये देखिए बकरी पालन मेन यहाँ का व्यवसाय है। इस तरीके से लकड़ी के यहाँ पर जमा करके रख दी जाती है, स्टोर कर दिया जाता है बेसिकली। और आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पर, और ये मुर्गियाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना,
इसे क्या कहा जाता है दिवदेश को? कड़कनाथ। इसे कड़कनाथ कहा जाता है। इसका अंडा और मीट बड़ा काला काला दिखता है, अंडे में हल्का सा कालापन दिखेगा, और इसे कड़कनाथ, इसीलिए इसे कड़कनाथ कहा जाता है। ये देखिए बिल्कुल पास से, और इसका मीट पूरा काला दिखेगा आपको। और ये देसी मुर्गे हैं यहाँ पर जो। गाइस दिन का टाइम है, अब खा रहे हैं हम खाना, और ये मेरे साथ 100 साल की अम्मा हमारी, ये देखिए बड़े ही प्यार से मुझे कहानियाँ सुना रही हैं पुराने जमाने की। 100 वर्ष हो गई। अब तो क्या हो गया, 100 वर्ष हो गया, अभी जितनी उम्र देर किया भगवान ने। तू आज ही कैसे कतु खोल कम से? हाँ आज वर्ष कर दे। अच्छा यार सब मैं हूँ यो। हाँ मैं तो नहर नहीं भर गया कुकम है बड़ी। अच्छा अरे मेरी 100 साल उम्र हो गई, और क्या कहते नहीं उम्र तक केवल मैं ही हूँ, सबसे पुराने वृद्ध हैं हमारे गांव में, 100 वर्ष इनकी आयु है। बुढ़े दी थी बुढ़े तू चाहो इस उम्र में आप जी के दिखा दीजिए, आपके तो कितनी बीमारियां लग जाएंगी, कुछ हो जाएगा। अम्मा भी फिट है, एकदम स्वस्थ है, ना कोई बीमारी ना कुछ, एकदम स्वस्थ। बीमारी खुद ही आ गया 100 साल तक। आप पैर की तो आजकल थोड़ी बहुत चलता ही है बुढ़ापे में इस उम्र। ये बताओ कि तुमने क्या जड़ी बूटी खाई ठहरी जो 100 साल तक टिक गए? 100 साल है जी, मगर कुछ खाया होगा, कुछ पिया होगा पुराने जमाने का, तभी तो हो गए 100 साल। धर्म से सत्य था, सत्य से अगर धर्म से कार्य करोगे तो उम्र अच्छी लंबी आयु मिलेगी। ये रोट खामू चोरी नहीं कहा जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कम्बल बिजनाल भैया, कितने का ये? ये सारे 25 में। अच्छा 2500 में सारे वो कहा दिल्ली वाला खाली पक दिया 15 करके इसको देना पड़ा। दी कमल है पे? नहीं 1000 का माल हो जाए, 1000 से नगद दी थी लाल। डील नहीं हो पाई है, फेरी वाले चले गए हैं रेट हो गया ज्यादा। हमारा सुंदर सा घर, और अभी मौसम बड़ा शाम के टाइम का हल्की फुल्की ठंडी है, ज़्यादा ठंडी तो लग नहीं रही यहाँ पे। छत पे पहले जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, और अब उस पेड़ को यहाँ हटा दिया गया। अब यहाँ से खिलली वो नदी वगैरह सब कुछ जो है पहाड़ आराम से दिख जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वो पेड़ जो है काट दिया गया है अभी हाल ही में। आ जा रोशन, आ जा, कम जल्दी आ जा, आ गया, आ जा रोशन, आ जा, कम 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 कम, चलो सब पास। यहाँ पर जो है लेटरिन बाथरूम बन रही है, ये देखिए फर्स्ट क्लास तरीके से बबू जी बना रहे हैं। जो है संपन्न गांव के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, गांव में जो है लेटरिन बाथरूम्स बन रहे हैं। उसी बीच यहाँ पर जो है लोग बेशक भले ही शहरों में रह रहे हैं, यहाँ पर ये रहते नहीं है, दिल्ली रहते हैं, लेकिन जो है लेटरिन बाथरूम यहाँ पर बना रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया जो है एक कदम है ना बबू जी? ये देखिए बढ़िया हो रहा है। इसमें एक पुरातन चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये जलाशय है, मैं अंदर से एक बार आपको लेके चलता हूँ। ये जल का स्रोत है, ये इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि कितने वर्षों पुराना है, क्योंकि ये पुरानी पीढ़ियों से चला आ रहा है, 100, 200, 300 साल, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये पानी का स्रोत अभी देख रहे हैं पूरा, और ये जो पानी का स्रोत है ये लोगों की पहली प्राथमिकता हुआ करती थी जब घर घर में नल नहीं हुआ करते थे, तो ये बेसिकली जल का स्रोत है। अब ये कितने वर्षों पुराना है ये किसी को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है जो आप ये देख रहे हैं, पत्थरों का बना हुआ पानी अंदर से स्रोतों से इसके अंदर पानी आ रहा है। अभी भी हम गांव वगैरह आते हैं तो ऐसी चीज़ें पुरानी पौराणिक जो होती हैं ऐसी देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर। मैं बनारस नागिन ये देखो बाना ये अच्छा क्या हो गया? अच्छा गो में ये क्या अरे क्या बुढ़ापे में आप अम्मा को सांस की दिक्कत हो रही है थोड़ा सा यहाँ पे तो डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा कमजोरी का है, थोड़ा बुढ़ापा भी है तो इसीलिए चल रहे हम शहर की तरफ। और ये और यहाँ पर एक ढाबे पे रुके हुए हैं, और यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे ये नदी का शोर है पहाड़ों के बीच में, ये देखिए सुंदर सी हरियाली। और ये स्टार्टिंग कॉर्बेट अभी देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर मार्क भी लगा हुआ है, यहाँ से तकरीबन शुरू हो जाता है क्योंकि हम कॉर्बेट के आसपास पहुँचने ही वाले हैं जिम कॉर्बेट के, और सामने आप देख रहे हैं ये नदी। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं।